दोस्तों मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्पी की रसोई। आज हमारी रसोई में प्याज का पत्ता का भुजिया बनने जा रहा है दोस्तों, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी अभी ताज़े ताज़े फ्रेश पत्ते आते हैं प्याज के साथ, फ्री मिलता है तो मैंने लिया है, तो इतना सारा निकला है दोस्तों, तो मैं सारे को बना रही हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई गर्म हो गया तो मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल में बनाइए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनेगा आपका ये प्याज का पत्ता का भुजिया। तो तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे हम। तो तेल हमारे अच्छे से गर्म हो गए हैं तो मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा और सरसों, उसके बाद थोड़ा सा अदरक और लहसुन और दो हरी मिर्ची लंबा लंबा मैंने काटे हैं। और बच्चों को तीखा पसंद ना हो तो निकाल सकते हैं। तो सभी चीज़ को अच्छे से भून कर लाल कर लेंगे। हमारा अच्छे से भून गए हैं तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ पत्ता। मैंने पहले अच्छे से काट के धो के रखे हैं, इसको अच्छे से दो तीन मिनट तक भून लेंगे बिना ढके। इसको ढक्कन नहीं भूनना है दोस्तों, हम ऐसे ही भून रहे हैं। अगर आप ढक्कन भूनेगा तो इससे पानी छोड़कर पत्ते से, तो पानी छोड़ने के बाद ये गीला हो जाएगा, हमारा अच्छा भुजिया नहीं बन पाएगा, इसलिए आप बिना ढककर भूनिएगा। तो देख सकते हैं हमारा अच्छे से कलर चेंज हो गया, इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो मैं बिना ढककर ही भून रही हूँ, आप भी दो तीन मिनट तक अच्छे से भून लीजिएगा इसी तरीके से। तो देख सकते हैं दो तीन मिनट तक उसको अच्छे से भूनिएगा। तो भूनते भूनते अगर आपका ही तेल छोड़ने लगे समझ जाइएगा कि आपका ही अच्छे से भुना गया। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि डल कर थोड़ा सा हो जाएगा तो तेज़ भी हो सकता है। उसके बाद हल्दी पाउडर, और मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मसाला रखी हूँ, सब्जी मैं बनाई थी तो थोड़ा सा मैंने पत्ता के लिए भी रखी हूँ। तो इसमें था धनिया जीरा सरसों काली मिर्च अदरक लहसुन, लहसुन मैं पहले डाली हूँ सूखल मिर्च। इतने सारे चीज़ को सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छे से पकाएंगे करीब 4 से 5 मिनट तक, तब जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से पक ना जाए, तब तक अब इसको हम ढककर पकाएंगे और बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे ताकि हमारा पत्ता जले ना। तो चलिए 4 से 5 मिनट तक इसको हम अच्छे से पकाते हैं, और साथ ही मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँ ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाएंगे पक जाए। हम ज़्यादा नहीं डालेंगे सिर्फ थोड़ा सा, नहीं तो फिर हमारा ही जीरा हो जाएगा। तो चलिए 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इसको हम पका लेते हैं ढक कर, क्योंकि ये सीख गया है सिर्फ 2 मिनट तक उसको हम ढक कर पकाएंगे, ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 मिनट तक, जब तक कि हमारा मसाला पक ना जाए और नमक हल्दी सब अंदर तक ना जाए चला जाए, तब तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे नहीं तो फिर ये जल्दी जल जाता है। तो ध्यान से अच्छे से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी भुजिया बनता है। तो 5 मिनट तक मैं इसको ढक के पका लूँ और इसका कलर देख सकते हैं, ये हमारे बनकर तैयार है। अब इसको हम निकाल लेंगे, अब 2 मिनट तक इस तरीके से हम धीमी धीमी आँच में इसको सेक लगाएंगे ताकि थोड़ा बहुत ग्रेवी हो अच्छे से अंदर तक पक जाए। इस तरीके से कढ़ाई को चारों तरफ फैला के इसको धीमी धीमी आँच में हम 2 मिनट तक सिर्फ सेक लगाएँ। आँच में बन मुझा दी हूँ, देख सकते हैं इधर हमारा प्याज का पत्ता भुजिया बनकर तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे, तो लीजिए हमारा प्याज का पत्ता का भुजिया बनकर तैयार है। अब तो रोटी पराठा चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो कैसा लगा ये रेसिपी हमारा, अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे पके हैं, और एक बार ज़रूर बनेगा, बहुत ही पसंद आएगा इस तरीके का। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।